नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोतार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त में मौजूद हूं भाईंदर के नवगढ़ पुलिस स्टेशन में। जो ऑटो रिक्शा आप पीछे देख सकते हैं, ये भाईंदर से चोरी किए गए थे और जो कि गवंडी, शिवाजी नगर, सातारा और मालवनी में बरामद किए गए हैं। ऑटो चोरी करने वाले इस रैकेट से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक भाईंदर से है, एक सातारा से है और दो मालवनी से। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में एसीपी शशिकांत भोसले से। 6 अगस्त को नगर पुलिस स्टेशन में पृथ्वीपाल यादव इस गृहस्थ ने एक फिरियाद लिखाई कि उनका एक ऑटो रिक्शा जो नवगर अद्दी में पार्क था, वह किसी ने चोरी कर लिया है। इस संदर्भ में नवगर पुलिस स्टेशन में 617/2022 यह गुना दाखिल होके, चोरी का गुना दाखिल होके तपास हमारे नवगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में गुन्हे प्रकटीकरण शाखा के एपीआई योगेश काले और पीएसआई लांडे इनकी टीम काम कर रही थी। जब इसके गुन्हे के तपास के ऊपर काम करने वक्त सीसीटीवी और इतर टेक्निकल डाटा के ऐसा सामने आया कि 2-3 लोग है इसके अंदर शामिल जो यहां से चोरी करके ऑटो रिक्शा ले जा रहे हैं। इसके अंदर जो ऑटो रिक्शा चोरी करने वाले हैं, राम कुमार, सुरेंद्र गोस्वामी, ऋषिदेव शुक्ला और विजय वाघ, इन चारों को अरेस्ट लेने के बाद ऐसा सामने आया कि इन्होंने चोरी रिक्शा करके सामने और दो लोगों के दिया है, जिनका काम उस ऑटो रिक्शा का जो अभी का चोरी करते वक्त जो नंबर प्लेट है वह निकाल के दूसरा फर्जी नंबर प्लेट चढ़ाना और साथ ही साथ में उसका जो चेसिस नंबर है वो डिस्टर्ब करना, बिगाड़ देना। ऐसा काम ये अकसाम खान और इरशाद खान यह दोनों करते थे। फिर और आगे इन दोनों को भी ताबे में लेने के बाद इनके इंट्रोगेशन में ऐसे सामने आया कि यह दोनों इस प्रकार से नंबर चेंज करने के बाद सामने मोहम्मद जाकिर फकीर, मोहम्मद सैयद, इसको वह रिक्शा दे देते थे। यह व्यक्ति इस रिक्शाओं को शिफ्ट पे किराए से चलाने के लिए जो ज़रूरतमंद ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उनको भाड़े पे देते थे। पूर्ण गुना के तपास में ऐसा सामने आया कि यह पूर्ण 7 लोग एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हुए संगनमत करके यह गुन्हे करते थे और इस तरह से वह ऑटो रिक्शा चोरी करके उसका इस्तेमाल खुद का इकोनॉमिक फायदा होने के लिए करते थे। इस तपास के बाद सभी आरोपियों को जब माननीय कोर्ट में हाजिर किया गया तब माननीय कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन सभी आरोपियों की अधिक तपास के लिए 18 अगस्त तक पुलिस कस्टडी मंजूर की गई है। सर, इसमें कितने लोग आरोपी को गिरफ्तार किया है और उनके पास से किस तरह का रिक्शे बरामद किए गए? अभी तक 7 लोगों को इसके अंदर अरेस्ट कर लिया गया है और इनके पास इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारे नवगढ़ पुलिस स्टेशन के 8, काश्मीरा पुलिस स्टेशन का 1, ऐसा आपने मीरात भाईंदर शहर से चोरे हुए 9 ऑटो रिक्शा, साथ ही साथ नवी मुंबई वाशी पुलिस स्टेशन का 1 और MHB पुलिस स्टेशन मुंबई यहाँ का 1, ऐसे 11 गुन्हे डिटेक्ट करते हुए 11 गुन्हों का ऑटो रिक्शा भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ इन्हीं आरोपियों की कस्टडी में और 2 रिक्शा मिली है, उसका तपास जारी है कि वह रिक्शा कहाँ से चोरी की गई है। ऐसे कुल मिलाकर 13 ऑटो रिक्शा की चोरी नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने निष्पन्न की है। सर, चोर कहाँ के रहने वाले हैं और उनके पार्श्व के पिछले कोई मामले दाखिल के लिए? अभी तक जो उपलब्ध प्रणाली है उसके आधार पर सर्च करने के बाद इनके ऊपर अभी तक तो कोई मामला दाखिल नहीं आया, लेकिन यह आरोपी मुंबई के अलग अलग इलाके जैसे मलाड है, घाटकोपर है, मालवनी है, साथ ही साथ एक दो आरोपी सातारा जिले के भी रहने वाले हैं। तो वहाँ पे संदर्भित जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर हमारी तफ्तीश चालू है कि इनके ऊपर और भी कुछ गुन्हे दाखिल है। सर, ये ऑटो के जो चोरी करके थे इनको किस परिसर में चलाया करते, चलाने के लिए देते थे? ऐसा कुछ खास एरिया नहीं, लेकिन बॉम्बे के परिसर में चलाने के लिए देते थे। सर, इनको देखते हुए संगठित अपराधी नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, वही तो बोला ना कि यह जिस प्रकार से चोरी कर रहे हैं कि चोरी करने वाले लोग, उसके बाद में उसका नंबर प्लेट बदलने वाले लोग अलग है और उसके बाद में चलाने के लिए देने वाला लोग इसम अलग है, इस प्रकार से वह एक गिरोह बनाकर चोरी कर रहे हैं ऐसा सामने आ रहा है। अधिक तपास जारी है।
तो जिस तरीके से आपने देखा ऑटो चोरी करने का ये जो रैकेट बड़े पैमाने में पूरे राज्य में चल रहा है, इसमें नवघर पुलिस स्टेशन को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 12 ऑटो रिक्शा को इन्होंने रिकवर किया है।